भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। जानते हैं दोस्तों इस कहानी से। नमस्कार, हमारी आज की कहानी है चमत्कार। बरसात का मौसम था। एक बैलगाड़ी कच्ची सड़क पर जा रही थी। यह बैलगाड़ी श्यामू की थी। वह बड़ी जल्दी में था। हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी। श्यामू वर्षा के तेज होने से पहले घर पहुंचना चाहता था। बैलगाड़ी में अनाज के बोरे रखे हुए थे। बोझ काफ़ी था, इसलिए बैल भी ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहे थे। अचानक बैलगाड़ी एक ओर झुकी और रुक गई। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आ गई अब, श्यामू ने मन ही मन में सोचा। उसने उतर कर देखा, गाड़ी का एक पहिया गीली मिट्टी में धंस गया था। सड़क पर एक गड्ढा था जो बारिश के कारण और बड़ा हो गया था। आसपास की मिट्टी मुलायम होकर कीचड़ जैसी हो गई थी और उसी में पहिया धंस गया था। श्यामू ने बैलों को खींचा और खींचा, फिर पूरी ताकत के साथ खींचा। बैलों ने भी पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई। श्यामू को बहुत गुस्सा आया। उसने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। इतने बड़े दो बैल हैं, फिर भी इससे इस गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यह बात उसे बेहद बुरी लग रही थी। वह गुस्सा हो रहा था। हार कर वह जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, हे ईश्वर, ईश्वर आप ही कुछ करो। अब आप ही कोई चमत्कार कर दो जिससे कि ये गाड़ी बाहर आ जाए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, श्यामू तू ये कर सकता है और तू कर रहा है। अरे बैलों को पीटना छोड़ और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गाड़ी में से थोड़ा बोझ कम कर, फिर थोड़े पत्थर लाकर इसे गड्ढे को भर, तब बैलों को खींच। इनकी हालत तो देख, कितने थक गए हैं बेचारे। श्यामू ने चारों ओर देखा, वहाँ आसपास कोई नहीं था। श्यामू ने वैसा ही किया जैसा उसने सुना था। पत्थरों से गड्ढा भरा और कुछ बोरे उतार कर गाड़ी से गाड़ी को हल्का किया। श्यामू ने बैलों को पुचकारते हुए खींचा, जोर लगा के और एक झटके से के साथ गाड़ी बाहर आ गई। वहीं आवाज़ फिर सुनाई दी, देखा श्यामू, यह चमत्कार ईश्वर ने नहीं तुमने खुद किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में निराश होकर नहीं बैठना है, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। तो ईश्वर भी हमारे साथ ऐसे ही चमत्कार करते रहेंगे। कहानी अगर अच्छी लगी हो लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।